hello everyone once again welcome back to all about mathematics if you like our content don't forget to like share and subscribe our channel so in this video we are going to discuss one more question of december 2019 question paper this question is from part c and question is from metric spaces so in this question given that let xt be the metric space let t x to x be the continuous function satisfying satisfy property in minimum of n belongs to natural number dt raised to the power n x and t raised to the power n by doesn't equal to zero for every x y belongs to X with x doesn't equal to y then which of the following statements are true? First statement is saying t is one-one function. Second statement is saying t is not one-one function. Third statement is saying image of t is closed of in X. And last statement is saying

देन हमें जो एक्स डी मैट्रिक स्पेस दिया है कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस दिया और साथ ही टी कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है जो सेटिसफाई कर रहा है इन फीमम एन बिलोंग्स टू नेशन नंबर डी टी एस टू दी पावर एन एक्स एंड टी रेस टू द पावर एन वाई डजेंट इक्वस टू जीरो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स विद एक्स डजेंट इक्व टू वाई मतलब एक्स डक्व टू वाई होगा देन ये कंडीशन डेफिनेटली फुलफिल होगी मैट्रिक स्पेस में इस कंडीशन के साथ मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है सो एक्स डी हमें जो मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है एक्स इज कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस एंड टी इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन सो ए एंड बी की बात करें लेट अस टेक टी इज नॉट वन वन अगर टी वन वन नहीं है देन क्या इंप्लाई करेगा अगर टी वन वन होता है देन इंप्लाई करता है टी एक्स इक्व टू टी वाई सो एक्स अगर वन वन नहीं होगा दिस वन अगर देर एग्जिस्ट एट यहाँ ऐसे एक्स वाई डेफिनेटली एटलीस्ट एक दो एक्स वाई तो एक्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए एक्स डू वाई इम्प्लाई करेगा टी एक्स इक्व टू टी वाई क्योंकि यहाँ से एक कंडीशन इंप्लाई करती है अगर टी वन वन नहीं है देन

जहाँ एक्स डजन इक्व टू वाई है फिर भी टी एक्स इक्व टू टी वाई है सो टी एक्स इक्व टू टी वाई इम्प्लाई करता है टी रेस टी स्क्वायर एक्स इक्व टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स विच इज इक्व टू ये टी एक्स को हमने टी वाई के इक्वल लिखा है सो टी इन टू टी वाई विच इज इक्वस टू टी स्क्वायर वाई सो एक एम्प्लाई कर रहा है टी स्क्वायर एक्स इक्व टू टी स्क्वायर वाई सिमिलरली टी क्यूब एक्स इक्व टू टी क्यूब वाई सिमिलरली हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते तो दिस वन इज इम्प्लाइड टी रेस टू दी पावर एन एक्स इक्व टू टी रेस टू दी पावर एन वाई फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो यहाँ से हमें गेवन है डिस्टेंस बिटवीन टी रेस टू दी पावर एन एक्स एंड टी रेस टू दी पावर एन वाई इक्व टू जीरो है दिस वन इज इम्प्लाई अगर ये दोनों इक्वली होंगे देन दिस वन इज एम्पलाइंग डिस्टेंस बिटवीन टी एस टू दी पावर एन एक्स एंड टी रेस टू द पावर एन वाई इक्व टू जीरो आ जाएगा फॉर एवरी एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट हम इस स्टेटमेंट में गिवन है सो so, क्या कंडीशन इम्प्लाई करिए इफ़ एक्स डजें दिस वन इज एम्प्लाई टी रेस टू द पावर एनएक्स इक्व टू टी रेस टू द एन वाई एटलीस्ट एक एक्स वाई के पैर के लिए तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी बट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पावर एन एक्स

सो नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन सी ऑप्शन सी का द इमेज ऑफ टी इज क्लोज्ड इन एक्स सो इमेज ऑफ टी इज क्लोज्ड इन एक्स इंप्लाई कर रहा है अगर हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है इसके लिए सिंस कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट सो हमारे पास टी कॉन्टीअस फंक्शन दिया हुआ है तो एक्स डी हमारे पास मेट्रिक्स बेस कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है सो कॉन्टीन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट सेट सो टी हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन दिया एक्स हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट दिया, है देन टी एक्स हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट आएगा इस रिजल्ट से सो टी एक्स अगर कॉम्पैक्ट है देन टी एक्स इज क्लोज एंड बाउंडेड आएगा कोई भी साइट अगर कॉम्पैक्ट होता है मैट्रिकपेस में तो क्लोज इंड बाउंडेड होता है ये नेसेसरी कंडीशन है सफिशियंट कंडीशन नहीं मतलब कोई भी मैट्रिक स्पेस अगर क्लोज और बाउंडेड होगा दैन वो जरूरी नहीं है वो साइट हमारे पास कॉम्पैक्ट हो तो so, कोई भी सेट अगर हमारे पास कॉम्पैक्ट होगा तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि वो क्लोज और बाउंडेड होगा सफिशियंट कंडीशन नहीं है मतलब और कोई भी सेट क्लोज एंड बाउंडेड हो दैन उसका कोई जरूरी नहीं है, वो कॉम्पैक्ट हो बट यहाँ से कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होगा दैन टी है एक्स कॉम्पैक्ट है दें टी एक्स हमारे पास कॉम्पैक्ट होगा और टी एक्स कॉम्पैक्ट है क्लोज एंड बाउंडेड होगा और हमें ऑप्शन सी में यही पूछा हुआ है ऑप्शन सी कह रहे हैं इमेज ऑफ टी इज क्लोज एंड एक्स हो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आया डिस्कार्ड हो गया नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑप्शन डी कह रहा है एक्स इज फाइनाइट देन टी इज ऑन टू सो एक्स अगर फाइनाइट होगा टी ऑन टू होगा सो so, एक्सनाइट है सो इफ एनी सेट एक्स इज फाइनाइट देन एनी फंक्शन टी एक्स टू एक्स इफ टी ये हमारे पास इंजेक्टिव होगा कंडीशन ये हमारे पास सब्जेक्टिव भी होगा सो so, हमने ऑप्शन ई में कटे किया है कि टी वन बन होगा अगर टी वन है, वन है देन दिस वन इज इम्प्लाई अगर एक्स साइड फाइनाइट है देन हमारे पास टी सर्जेक्टिव भी होगा सो so, इस कंडीशन से टी हमारे पास ऑन टू भी आ जाएगा सो so, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा क्योंकि टी हमारे एक्स हमारे पास फाइनाइट दी है और टी हमारे पास वन वन है so, सो फिफ्ट कंडीशन से टी ऑन टू भी हो जाएगा सो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया है सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन ए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन सो अगर आपको क्वेश्चन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू